हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 02। और लेक्चर नंबर 01 में हमने बेसिक लॉज को डिस्कस किए थे और कुछ आपको हमने होमवर्क भी दिए थे। वो होमवर्क को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग से हमें कुछ बात करनी है। बात यह है कि बेटे, जो आईआईटी फाउंडेशन सीरीज हमारा चल रहा है क्लास 8 का, वो 8 क्लास के बच्चे भी इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है, और अपना सिलेबस को कवर कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को वो बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि बेटे, इस सीरीज में हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, एएमयू के बच्चे हो या बीएचयू के हो जो एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, या फिर जामिया के, तो बेटे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो तीनों को बेसिकली हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना बहुत है तो हम तीन की बात कर रहे हैं। बेटे अगर इन तीनों के यूनिवर्सिटी के एग्जाम आप देने के बारे में आप सोच रहे हो तो बेटे आप इस सीरीज को बिल्कुल फॉलो करो, ठीक है, आंख बंद करके फॉलो करो। क्योंकि इसमें आपको वैरायटी क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, कंसेप्ट डील होगा, ओलंपियाड होगा, तो आप इस सीरीज को बहुत आराम से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना होमवर्क। बेटे होमवर्क में हमने जीरो लेवल का क्वेश्चन जो है वो आपको कल दिया था, ठीक है। और बेटे अपना जो लेक्चर फर्स्ट हुआ करेगा, ठीक है, या तो सेकंड लेक्चर, फर्स्ट में तो आपका इंट्रो ही चलेगा, सेकंड लेक्चर तो जीरो लेवल का प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव होगा, उसके बाद में बेटा सारा तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा एमसीक्यूज के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटे, उसके बाद में हम और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए। तो बेटे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन वन का, ठीक है, क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को आप बाद में इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास में 3 × 4 इंटू 3 × 2 इज इक्वल टू, बेटे देखो बेस जो है वो अपना सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले बेस को कॉपी कर लो, ठीक है, और बेस को आप कॉपी कर लिए तो पावर का आप एडिशन कर दो, ठीक है। जैसे आप पावर का एडिशन करोगे बेटे तो आपको मिलेगा 3 × 10⁶, 4 और 2 6 मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका इस तरह से ऑप्शन नहीं गिवन है तो बेटे इसे ओपन करके आप लिख देना, ठीक है। तो इतना समझदार हो कि आपको कैसे क्वेश्चन को डील करना। अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर ले जरा सा। क्वेश्चन 2 है हमारा −4 × 5 डिवाइडेड बाई −4 × 8, ठीक है। बेटे सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके साइन को चेंज करना, यानी कि डिवीजन को पहले, सबसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो −4 × 5 है, ठीक है। मैं बेटे इसको जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूंगा तो उससे पहले मैं शो करके दिखाता हूं, −4 × 8 हो जाए, ठीक है। आगे में चलते हैं। इसी क्वेश्चन को बेटे अब क्या करोगे कि इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज का मतलब है कि इसको न्यूमिरेटर में लेके चले जाओ, −4 × 5 इंटू, बेटे जब हम लिखेंगे इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो इसका पावर जो है, अगर वो आपके पास में, अच्छा ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है बेटा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, −4 × 5 −8, ठीक है। अब देखिए बेस दोनों का सेम है तो −4, ठीक है, पावर का एडिशन होता 5 + −8, ठीक है, −4 × 5, देखो बेटे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो आप माइनस लिखेंगे, ठीक है, −4 × 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो −3 मिलेगा। बेटे इसे और आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसकी पावर को आप पॉजिटिव बना दो तो 1/−4 × 3, और इसको अगर और एक्सपेंड करने के लिए जाओगे तो
आप इसे बेटे लिख सकते हो 1/64 माइनस का, ठीक है, ये माइनस साइन को ऊपर भी आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, 1/64। तो आंसर को आपको हिसाब से सॉल्व करना है। हिसाब से कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि यहीं पे अगर ऑप्शन मिल रहा है तो बेटे आप यहीं पे छोड़ दोगे और चेक करोगे कि आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, इस फॉर्मेट में बेटे, तो यहां तक आप सॉल्यूशन करके चेक करेंगे, ठीक है। आगे भी चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यार बहुत इजी है, इसीलिए आप देखेंगे तो हमारा जो थंबनेल है वो जीरो लेवल के ही क्वेश्चन उसमें शो किए हमने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जीरो लेवल का है, इसलिए आपको जीरो लेवल का शो किया, ठीक है। आगे में चलते हैं, क्वेश्चन 3 है, सॉल्यूशन करते हैं 3 का। क्वेश्चन 3 है 2 टेंडिंग टू पावर 0 + 3 टेंडिंग टू पावर 0। दरअसल याद करो बेटे कि हमने आपको लॉज कराया था कि यदि किसी भी नंबर का पावर 0 कर दो, ठीक है, तो वो 1 हो जाता है। बेटे इसको सॉल्व करने जाओगे तो देखो 2 का पावर 0 है 1 होगा, 3 का पावर 0 है 1 होगा, फाइनली आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका हो गया क्वेश्चन 3 का, ठीक है। क्वेश्चन 4 की बात कर ले तो क्वेश्चन 4 है अपने पास में 2 टेंडिंग टू पावर -1 + 2 टेंडिंग टू पावर -1, ठीक है। बेटे सुनो, देखो जरा सा, आप ऐसा नहीं करना कि आप यार इसकी पावर को ऐड कर दो, ठीक है। आपको लॉज पता है ना कि a टेंडिंग टू पावर m इंटू a टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू a टेंडिंग टू पावर m प्लस n होता है। यहां पे प्लस नहीं है, यहां पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो माइंड में इस बात को आप रखना, कहीं आप डायरेक्ट इसकी पावर जोड़ दो यार, ठीक है, -2 कर दो और फिर उसका प्रोडक्ट कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको आप पावर को पॉजिटिव करोगे 1/2, ठीक है। 2 टेंडिंग टू पावर -1 को क्या लिखना है, 1/2 लिखना है, प्लस का साइन है, प्लस लगा, इसको भी सिमिलर लिखोगे या 2 लिखोगे। उसके बाद में जो सॉल्विंग प्रोसेस बचता है बेटा, एलसीएम का बचता है, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, देखो 2 का एलसीएम लेने जाओगे, ठीक है, 2, 2 का एलसीएम लेने जाओगे बेटे तो आपको 2 ही मिलेगा, 2 1 2 2 1 2, ठीक है। एलसीएम कितना आया, 2, ठीक है। हमारा जो तरीका है, जो एलसीएम आता है उसको मैं न्यूमरेटर में रखता हूं और इसके डी न्यूमरेटर से डिवाइड करता हूं, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तो टेबल पढ़ लोगे, लेकिन आगे में चलकर अगर आपके पास में एक्स वाई जेड के फॉर्म में एलसीएम आता है तो बेटा वहां टेबल फिल हो जाएगा, ठीक है, वहां टेबल का कोई खेल नहीं चलेगा। तो ऐसा हम अपना हमारा सॉल्व करने का तरीका है कि जो एलसीएम आया उसको न्यूमरेटर में रखो और इसके डी न्यूमरेटर से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ। फिर से रिपीट करते हैं, हमारा तरीका यह होता है कैलकुलेशन का कि जो एलसीएम आया है उसको न्यूमरेटर में रख दो और इसके जो डी न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमिनेटर है बेटा, उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसको आप इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 × 1 सही से लिखो यार, आराम आराम से सॉल्व करना, 1 × 1 प्लस, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो बेटा, 2 से जब डिवाइड करोगे ना फाइनली 1 मिलेगा, 1 × 1 इसके न्यूमरेटर के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। तो अपना यहां फाइनल आंसर आ जाएगा 1 × 1 1 + 1 × 1 1 / 2 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 2/2 मिल जाएगा, कैंसिल करोगे बेटे तो 1 मिल जाएगा, 1 को डिवाइड 1 से करोगे बेटे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो जाता है। आगे में चलते हैं क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई करना, ठीक है। क्वेश्चन 5 का हम सॉल्यूशन करते हैं 2 × 5 होल टेंडिंग टू पावर 2 है। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये कौन सा लॉ फॉलो करोगे, a × b टेंडिंग टू पावर m, ठीक है। पहले इन दोनों को आप गुना कर दोगे, ठीक है, जैसे गुना करोगे उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायरिंग करके निकाल दोगे, ठीक है। तो देखो 5 2 जा
टेन का स्क्वायर कर दिए, 10 का स्क्वायर बेटे आपको पता है, अगर नहीं पता है तो जितना पावर है उतनी बार आप 10 को रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूं, 10 का स्क्वायर हो क्यूब हो अगर नहीं पता है, ठीक है। ऐसी मैं पूरी बेसिक लेके चल रहा हूं ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आए। 10 का पावर 2 था तो 10 को हमने दो बार रिपीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई करने में भी प्रॉब्लम आए तो इस जीरो को रोक लो, इस जीरो को रोक लो। 1 into 1, देखो 1 into 1 1 होगा, 0 आप 2 हैं तो 2 जीरो को ऐड कर दो। तो बेटे इस तरीके से आपका क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट होता है। आगे भी चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 में आपके पास में इजी क्वेश्चन था, ठीक है। टेंडिंग टू पावर 1 into 10 टेंडिंग टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है बेटा। बेस सेम है तो बेस को पहले लिखो और 1 प्लस माइनस 2 पावर का एडिशन कर दो, तो 10 टेंडिंग टू पावर 1 प्लस और माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करो जरा सब पावर में, यार पावर में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा -1। और बेटे पावर को -1 में नहीं छोड़ना है, अगर छोड़ दो तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास ऑप्शन उसी फॉर्म में गिवन है तो आप छोड़ देना, ठीक है। एक तो आंसर यहां हो जाएगा, दूसरा बेटा इसके जो आंसर होगा 1/10 आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो होमवर्क है हमारा 7, ठीक है। क्वेश्चन सेवन देखो, क्वेश्चन सेवन है 3 tending to power 2 और होल टेंडिंग टू पावर -2, ठीक है। सॉल्व करने का अपना प्रोसेस जो होता है हर एक का अलग होता है, कोई सॉल्व करेगा कि इसको पावर को पहले पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी सही है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं क्या कि सबसे पहले तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं कि ये कितना जाएगा, 9 का पावर -2 है, इसको और लिख सकता हूं 1/9 का स्क्वायर, और इसको मैं और लिखने के लिए जाऊंगा तो 1/81 आ जाएगा बेटा, ये फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन को आप और सॉल्व कर सकते थे, कैसे देखो जरा सा, एक और बता दे रहा हूं यार सॉल्व करके, -2 = पहले मैं क्या करता हूं इसकी पावर का प्रोडक्ट कर देता हूं, जरा सा देखो, 3 tending to power 2 to the 4, ठीक है, 2 to the 4 यहां कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है तो देखें जरा सा, a tending to power m होल टेंडिंग टू पावर n, ये एक्सपोनेंट बेटे हम यहां फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आगे तो ये 2 to the 4 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, इसको और हम लिख सकते हैं पावर को पॉजिटिव करेंगे तो 3 tending to power 4, और बेटे 3 tending to power 4 का वैल्यू होता है 81, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले यहां तक कॉपी किया जाए, अब मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाता हूं एमसीक्यूज के फॉर्म में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 8 में हमसे कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्राइसेस -1/2 ब्रैकेट क्लोज tending to power -6, ठीक है। हमें वैल्यू निकालना बेटे, -1/2 का पावर -6 है उसका वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन 7 मैंने आपको होमवर्क में करा दिया, ठीक है, तो बेटे ये 8 से मैं काउंट कर रहा हूं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे वो देखिए जरा, सॉल्यूशन -1/2 का पावर कितना है, -6, ठीक है बेटे, जरा आंसर को गौर करो तो, ठीक है, देख लिया आपने। तो बेटे इस क्वेश्चन को आपको ये जस्टिफिकेशन करना है कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। बेटे अगर हम ऐसा कर दें कि सबसे पहले इनकी पावर को पॉजिटिव कर दें, है ना, तो कुछ अपना काम बनता हुआ दिख जाए, ठीक। तो -1/ 1/-1/2 का पावर 6, ठीक, पॉजिटिव कर दिया मैंने। अब आपको पता है, अगर नहीं पता तो बेटे कोई बात नहीं, आप 1 का अगर आप पावर 6 हो 10 हो तो बेटा 1 ही होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और 2 का पावर अगर 6 है बेटा तो वो 64 होता है, हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, उसको कैसे लिखेंगे, अगर मान लो कि 2 का पावर 6 है तो बेटे इसको 6 tan लिख दो,
चार पांच छ मल्टीप्लाई करो, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा थर्टी टू, थर्टी टू जा सिक्सटी फोर, ठीक है, तो वन अपॉन सिक्सटी फोर, लेकिन माइनस के साथ में लिखना बेटे, ठीक है, पूरी बात ध्यान में रखना। तो देखो इसको इसको मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो गया, या इसको और आसान कर सकते हो, टू टू जा फोर माइनस माइनस प्लस इंटू, इन दोनों का पेयर ले लो फोर, ठीक है, इंटू फोर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू फोर, और 16 फोर जा 64, ठीक है, 16 चौका 64, तो बेटे ये मल्टीप्लाई में आपका पहुंच जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर के पास में। तो इस तरीके से हमें यहाँ मिल गया 64 वैल्यू। अगर ऑप्शन देखा जाए तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। बेटे देखो सबसे पहले हमने कहा कि जीरो लेवल का क्वेश्चन लेके चलूंगा, ठीक है, उसके बाद में ही आपका ग्राउंड लेवल आएगा, फिर मॉडरेट आएगा, फिर स्काई आएगा, फिर ओलंपियाड आएगा, उसमें क्वेश्चन बेटे लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद में इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। आगे भी चलते हैं बेटे, क्वेश्चन नाइन को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नाइन को रीड आउट करते हैं। द वैल्यू ऑफ 5/6 का पावर है 0, ठीक है, सोल्यूशन लिखते हैं। जरा याद करो, मैं आपको करवाया था लॉस, लॉस को याद कीजिए कि अगर अगर किसी भी नंबर का पावर जीरो हो जाए, यानी कि बेस में ए है उसका पावर जीरो है, ठीक है, तो बेटे वो हमेशा वन होता है, ठीक है, तो वन मिल जाएगा यहां से, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन अपना सी करेक्ट है, ठीक है, एकदम बिल्कुल यार हलवा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, शुरू में इसमें कोई जान नहीं है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट 2/3 ब्रैकेट क्लोज टेंडिंग टू पावर माइनस 5, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना। चलो खैर कोई सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, और सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन की वैल्यू उसे कॉपी करेंगे, तो 2/3 ऑल टेंडिंग टू पावर माइनस 5, ठीक है। अब आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप पावर को पहले नेगेटिव बनाते हो या पॉजिटिव बनाते हो, तो बेटा जो अपना तरीका है कि पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है, तो 1/2/3 टेंडिंग टू पावर माइनस है तो ये बेटा प्लस हो जाएगा। अब मैं और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं, यानी एक्सपेंडेड के फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, तो 1/ मैं पावर को अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है। देखो यहां पर एक्सपोनेंट जो यूज होगा ना बेटे, a/b का पावर m है, तो आप इसको लिख सकते हो a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m, ठीक है, ये एक्सपोनेंट हमने यूज किया, तो 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5, बेटे ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो इसको और सॉल्व करने जाएंगे तो 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5, ठीक है, माइनस तो नहीं है, नहीं है बेटे, आपको मैंने पहले सिखा चुका हूं, अगर नहीं आता मल्टीप्लाई करने तो 3 का पावर कितनी है 5 है, ठीक है, तो 3 का पावर 5 को आप लिख सकते हो एक्सपेंडेड के फॉर्म में, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और × 3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये मिल जाएगा यहां से आपको 81 × 3। अब बेटा इसको जो बचपन क्लास में हमने सीखा था कि 81 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार, तो ये 3 और 8 = 24, 243 कितने आ गए 243, ठीक है, और 2 का पावर 5 बटे 1 हटा देंगे तो कितना जाएगा 32, ठीक है 32, तो इस तरीके से ये भी अपना आंसर कंप्लीट हो गया। देखें जरा सा ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी अपना सही है, ठीक, आगे भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, क्वेश्चन 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, कर्ली ब्रैसेस, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट 1/3 होल टेंडिंग टू पावर 3 और कर्ली ब्रैसेस क्लोज टेंडिंग टू पावर 4, ठीक है, आप सिंपल पढ़ना ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट 1/3 का पावर 2 फिर ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज का पावर 4, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सोल्यूशन करें जरा सा, देखें क्या आता है, तो बेटे क्वेश्चन को रिपीट मारो, कर्ली ब्रैसेस है और स्मॉल ब्रैसेस और इस्तेमाल किया गया, ठीक है, 4, पहले हम क्या करते हैं,
पहले हम पावर को डील करते हैं, ठीक है, पावर को डील करते हैं। जरा सा देखो यार, आंसर भी देख लिया करो, उससे हमें क्या होता है, बहुत सारी बातों का क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर हो जाता है कि हमें आंसर किस फॉर्म में देना है, ठीक है। आप इसे देख के बता दोगे, जो जितने क्वेश्चन मैंने लिखा है, जितने क्वेश्चन मैंने लिखा इन क्वेश्चन में बिल्कुल जान नहीं है, आप देख के बता दोगे इसका आंसर भी आएगा। लेकिन कुछ पर्पज है मेरा कराने का, क्योंकि ये लेक्चर 8 क्लास के बच्चे भी देखेंगे, क्या पता उनका बेस सही है या नहीं, ठीक है। तो हमें तो सारे चीज को देख के चलना पड़ता, किस बच्चे का कैसा बेस है नहीं है। और मैंने पहले कह दिया बेटे, इस सीरीज में हम जीरो लेवल से बात करेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं तो आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, ग्राउंड का, या तो उसके बाद वाली जो लेक्चर होगा मॉडरेट उसका वेट कीजिए, उसमें क्वेश्चन अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो पावर का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो पावर का मल्टीप्लाई करके हम ये कर्ली ब्रैसेस को हटा देते हैं। तो देखो बेटा, पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 का पावर कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, ठीक है। देखो जरा सा आंसर कौन सा बी है, तो ये अपना आंसर करेक्ट। आगे भी चलते हैं, क्वेश्चन 12 लिखा सिंप्लीफाई, ठीक है। -3/2 होल टेंडिंग टू पावर -1, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो जरा सा, ठीक, -3/2 होल टेंडिंग टू पावर -1, क्या करोगे, सबसे पहले पावर को आप पॉजिटिव बनाओगे, ठीक है। तो 1 लिखो और पूरे को डिवाइड में लिख लेता हूं पावर पॉजिटिव करने के लिए, 3/2 का पावर 1, ठीक है। हम लोग पता है कि अगर 3 का पावर 1 है, -3 का पावर 1 है तो -3 होगा, और 2 का पावर अगर 1 करे तो भी 2 ही आएगा। तो इसको यहां से हटा देना ही बेहतर, ठीक है बेटे, हटा देना। देखो 2 मल्टीप्लाई होगा इनके साथ में, तो यहां से मिल जाएगा 2/-3। और अगर थोड़ा सा लिखने के लिए जाए, सॉल्व करने के लिए, ये साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट करो, ठीक है। शिफ्ट होता नहीं है, एक्चुअल में होता है क्या कि मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय नेगेटिव साइन, बेटे ऐसे होता है, ठीक है। देखो जरा सा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं न्यूमरेटर में, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में भी कर रहा हूं। तो बेटा देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहां जाता है। तो मैं वो कंसेप्ट नहीं देना चाहता हूं कि हाँ डिनोमिनेटर का जो साइन है उसको नोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, ना ना ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता है कि नोमिनेटर में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसकी वजह से उनका साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है। तो बेटे इस तरीके से क्वेश्चन आपका 12 का ऑप्शन बी है, ठीक है। तो यार देखो, इजी इजी क्वेश्चन हमें तो उठाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, अभी सोचने वाला क्वेश्चन नहीं दूंगा, अभी तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी का होगा, कोई दूसरी साइड बुक का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां तक कॉपी किया जाए।